मुझे पता लगाना होगा कि मानो और मेहर कहाँ है और वो किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गए। अब बचकर कहाँ जाओगे? ये क्या? मानो और मेहर तो अलमारी में बनाए हुए जादुई रास्ते में चले गए। इसका मतलब वो परीलोक पहुंच गए होंगे और परीलोक में तो भयंकर परी का राज है। भयंकर परी ने अगर मानो और मेहर को परीलोक में देख लिया तो वो उन्हें भी कैद कर लेगी और फिर मानो और मेहर की आजादी के लिए मुझसे परी तारा मांगेगी और मुझे भी मानो और मेहर की आजादी के लिए भयंकर परी को परी तारा देना ही पड़ेगा। और अगर भयंकर परी ने परी तारा हासिल कर लिया तो वो पूरे परीलोक और पृथ्वीलोक पर विनाश मचा देगी। नहीं, मुझे भयंकर परी की नजरें मानो और मेहर पे पड़ने से पहले मानो और मेहर को पृथ्वीलोक वापस लेकर आना ही पड़ेगा। ये तो कुछ भी नहीं, जब हम इस झरने के उस पार जाएंगे ना तो और अच्छी चीजें मिलेगी। लेकिन हम उस पार कैसे जाएंगे? मैं हूँ ना, 5 मिनट में हम इस झरने के उस पार चले जाएंगे। 5 मिनट में कैसे? बालवीर की मदद से। बालवीर नहीं, मैं लेकर जाऊंगी। देखेगा ना तो बार बार देखते ही रहेगा। लो आ गए चुलबुली तितली। वाओ, अब मुझे लग रहा है कि वाकई में हम परीलोक में हैं। अब जैसा मैं करूं वैसे ही करना। खिड़की से जाने की कोशिश करो, मैं दरवाजा तोड़कर जाने की कोशिश करता हूँ। ओके बॉस। अगर मुझे मानव महल तक पहुंचना है मुझे इस लॉक को तोड़ना ही पड़ेगा। कोई तो है। अरे बॉस मैं हूँ। वो है क्या? ओके ओके।
ये मानो और मेर गए कहाँ? कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई ना? उन दोनों को कुछ हुआ नहीं होगा ना? हो भी सकता है बॉस। क्या? दोनों? हाँ बॉस। नहीं मिले बॉस। अरे यार यहाँ पर भी नहीं है बॉस। लगता है बालवीरू ना निकाल कर लेकर गया। इस बार तो बच गए वो दोनों, पर नेक्स्ट टाइम जब मेरे हाथ में आएगी ना उन दोनों को मस्त मजा चुकाऊंगा बॉस। चखाने का नाम है क्यों? भूख लगने लगती है। वो मतलब चुप। चलो रे। अरे घर तो। यस बॉस। दरवाजा खुला है। ओह सॉरी सॉरी बॉस। चलना यार। मजा आया ना मानो? हाँ हाँ बहुत मजा आया। चल आगे चलते और भी मजेदार चीजें दिखाती हूँ। एक मिनट, क्या हुआ? मेहर, तू भी तो यहाँ मेरी तरह पहली बार आई है ना? हाँ। फिर तुझे कैसे पता? यहाँ एक झरना था, यहाँ एक चुलबुली तितली है, जिसे फूलों से बुलाते हैं, ये सब तुझे कैसे पता चला? मुझे तो लगता है कि तुझे ये सब दादी की कहानियों से ही पता चला है। जब दादी कहानी सुनाती थी परीलोक की, तब ये सब तो बोलती थी। अरे मेहर ये सब छोड़ और जल्दी से बालवीर को बुला। बहुत हो गया इंतजार, घर पे मम्मी पापा परेशान हो रहे होंगे। अरे हाँ परी लोग घूमने के चक्कर में हम घर जाना तो भूल ही गए। अब बालवीर, बालवीर, बालवीर। बालवीर। अभी भी बालवीर नहीं आया। सरप्राइज से ज्यादा शॉक हो रहा हूँ मैं अब। क्या करेंगे इन बच्चों का, क्या करेंगे? कहाँ जाते कहाँ आते कुछ बताते नहीं है। अरे कम से कम जहाँ पर गए वहां से फोन करना चाहिए कि हम यहाँ है। कहाँ है? अरे यहाँ है मतलब जहाँ से फोन कर रहे वहाँ है। बस कुछ पड़ी नहीं है, मन में आया तभी आए, मन में आए तब चले गए। बापू जी बच्चे ठीक होंगे, आप हौसला रखिए। कहाँ रखू? कहीं मत रखिए। तो उठा के घूमो। बापूजी मेरे कहने का अर्थ ये है कि आप चिंता मत कीजिए, मैं जाता हूँ उनको ढूंढने। ढूंढ। पापा आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, मैं जानता हूँ कि मानो और मेहर कहाँ है। कहाँ है? अभी ने कैसे बताऊँ कि मानो और मेहर परीलोक में है? वो उनके दोस्त के वहाँ है, उन्होंने मुझे बताया था पर मैं आपको बताना भूल गया। चलो अच्छा हुआ मानो मेहर मिल गए। अब विघ्नेश्वर के मंदिर में 300 सीढ़ियां चढ़कर जाएंगे महेश के बापूजी। हाँ, बापूजी को मंदिर जाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। हाँ, अब मैं चलता हूँ। हाँ, मंदिर? नहीं नहीं मंदिर नहीं, बच्चों को लेने।
बेटा मैं भी चलता हूँ, नहीं तो पता चला वो लोग आ गए और मुझे तुझे ढूंढने बाहर जाना पड़ रहा है। तू क्यों जा रहा है, उसे पता है ना मानव मेहर कहाँ है, तो उसे जाने देना। हाँ पापा मैं जानता हूँ, मैं यू जाऊंगा और यू मानव और मेहर को लेकर आऊंगा। मुझे यकीन है बल्लू मानव मेहर को साथ लेकर ही आएगा, है ना बेटा? हाँ माँ, मैं मानव और मेहर को लेकर ही वापस आऊंगा। हाँ बेटा। बाबूजी मुझे जाने दिया होता तो, वैसे भी यहाँ बैठ के मैं क्या करूंगा। जिमी को संभालना। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। आइए बैठ। अच्छा आमी की बोलती, अगर आप लोगों को तकलीफ ना हो तो क्या कुछ देर के लिए आप लोग अमर दिल का टुकड़ा, अमर सच्चे से प्यारे से दुनिया में सबसे न्यारे से अमर बेटा जिमी को संभाल सकते हो? वो कहे ना कि आमा के हॉस्पिटल जाना है एक रिश्तेदार को देखने। ओके ओके कुकुर केटे नीचे। मतलब ओके कुकुर ने काट लिया है, कुत्ते ने काट लिया है। ओह देखा देखा बापूजी देखा आपने? मैंने नहीं देखा, मैं वहां पे नहीं था। मतलब कुत्ते कुत्ते होते ही ऐसे हैं, मुझे काटा था ना, याद है मुझे काटा था? वहां पे भी मैं नहीं था बापूजी, 14 इंजेक्शन लेने पड़े थे। कुत्ते को? मुझे लेने पड़े थे यार, पेट में ऐसे इधर 14 इंजेक्शन लेने पड़े थे मुझे। अब तो क्या आप लोग आमा जिमी के कुछ घंटे के लिए अपने घर में संभाल सकते हैं? कुछ घंटों के लिए क्या, कुछ दिनों के लिए भी यहाँ रहा ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, है ना? हाँ बल्लू मानव और मेहर के साथ रूम में खेलता रहेगा दिन भर। पर हाँ वो जिमी है का? बाहर है, खूबे शर्मिला है। तो आम एक काम करता है, बाहर जाता है और उसको भेजता है अंदर, और आप लोग अंदर से उसको आवाज लगाइए, ठीक है? कैसे बुलाएंगे आप? कि चौम चौम तारा तड़ी ऐशो भालो। आमी जाची चौम चौम फोड़ा फोड़ी फोड़ा फोड़ी नहीं बापूजी, अरे ओ चौम चौम तारा तड़ी ऐशो, चौम चौम तारा तड़ी ऐशो, चौम चौम तारा तड़ी ऐशो। अगर आज रात को भयंकर परी का राज्याभिषेक हो गया तो वो परी लोग की रानी बन जाएगी, और एक बार अगर भयंकर परी रानी बन गई तो परी लोग के नियम अनुसार हमें उन्हें रानी स्वीकार करना ही होगा, और कुछ कर भी तो नहीं सकते हम। तराज ये भयंकर परी ने अपने नाम जैसा ही भयंकर धोखा किया है हमारे साथ। हाँ बाकी सब परियों के साथ हमें भी अपना गुलाम बना दी, और तो और एक बार हमारी ओर मुड़कर भी नहीं देखा। बड़ी जिद्दी तुम सब परिया, करोगी नहीं मुझे सलाम? लेकिन कोई बात नहीं है, आता मुझे भी अपना काम निकलवाना, इसलिए ले जाऊंगा दो गुलाम परियों को, जो परी भयंकर की और उनके होने वाले प्रधानमंत्री श्री श्री तोबा जी की सेवा करे। इसके लिए हूं मैं चुनता। डराना तो, इसके लिए हूं मैं चुनता नाराज और तारक परी को। चलो बाहर निकलो, चलो फटाफट फटाफट।
अब क्या होगा बालवीर? मानव और मेहर अनजाने में एक खतरे की तरफ बढ़ रहे हैं। तुम्हें उन्हें बचाना होगा बालवीर। हाँ फिरंग परी, मुझे भयंकर परी की नजरें उनपे पड़ने से पहले उन्हें परी लोग से बचाकर यहाँ लेकर आना होगा। लेकिन जाने से हो सकता है खतरा तुम्हें भी। भयंकर परी तो कर ही रही होगी इंतजार तुम्हारा वहाँ। मैं जानता हूँ डूबा डूबा, लेकिन मुझे ये खतरा मोल लेना ही होगा। मैंने माँ से वादा किया है कि मैं मानव और मेहर के साथ ही घर आऊंगा। तो अब तुम क्या करोगे बालवीर? मैं परीलोक निश्चिंत होकर जाना चाहता हूँ, इसलिए विजदार परी मैं आपको मानव, फिरंग परी आपको मेहर और डूबा डूबा तुम्हें बल्लू बनाकर घर भेजना चाहता हूँ, ताकि आप सबको छुपने के लिए एक स्थान मिल जाए और घर वालों को भी मानव मेहर बल्लू की कोई भी चिंता ना हो। और आप माँ परी तारा और गाल परी की सुरक्षा कर सको। जैसे खिलती है धूप बदल जाए सबके रूप। लेकिन याद रखना, हर दो घंटे बाद आप अपने आप अपने असली रूप में आ जाओगे, इसलिए सावधान रहना। अरे जानता हूँ मैं सब, बन चुका हूँ मैं पहले भी ये। तुम जाओ बालवीर परीलोक में, मैं ले जाऊंगा इन सबको घर। लेकिन इस परी तारे के आधे हिस्से का क्या करूं? किसी को ऐसी जगह छुपाना होगा जहां कोई इसे ढूंढ ना पाए और ये किसी की नजरों में भी ना है, खास करके उस भयंकर परी के। करो ऐसा चमत्कार, बन जाए परी तारा गाल परी के गले का हार। खुश रहो बालवीर, खुश रहो बालवीर, खुश रहो सभी परियां, खुश रहो डूबा डूबा। चलो अब हम चलते हैं घर। चलो चलते हैं। पता नहीं फिरंग परी। अरे है नहीं कहना आपको एक दूसरे को विजदार और फिरंग। अब बन गया बानो और मैं, रखिए याद। ओह यस। पहले ही दो घंटे में अपने असली रूप में आने का माया जाल, फिर विजदार परी की बिजली वाली शक्ति और फिरंग परी की फिरंगी भाषा। ओह यस। मुझे कॉफी मत करो। ओह यस। ओह माफी माफी माफी। आसमानी शक्तियों, होने वाला है अब क्या गजब सास ससुर के परिवार में। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।